वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दिल्ली सल्तनत के पार्ट 3 वीडियो में, ठीक है भाई। यदि आपने दो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाइए और आप सभी वीडियो देखिए। सभी वीडियो मैंने ट्रिक के साथ और वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन है कुतुब मीनार के पास, ऑप्शन नंबर बी है फतेहपुर सीकरी के सीकरी में, ऑप्शन नंबर सी है दौलताबाद पास किला में, ऑप्शन नंबर डी है आगरा में, ठीक है। तो अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार के पास, ठीक है। कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाज़ा स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण कदम था। ऑप्शन नंबर ए है व्यापार वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है अधिक कृषि उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी है विद्रोह दमन, ऑप्शन नंबर डी है मूल्य नियंत्रण, ठीक है। तो प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण कदम क्या था, तो ये फ्रेंड्स था ऑप्शन नंबर आपका डी, मूल्य नियंत्रण, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था। ऑप्शन नंबर ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी है मिनहाज उज सिराज, ऑप्शन नंबर सी है जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन नंबर डी है शम्स ए सिराज अफीफ, ठीक है। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो जो थे वो चित्तौड़ अभियान में गया था, ठीक है, जिस गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। ऑप्शन नंबर ए है बलबन, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है फिरोज तुगलक, ठीक है। तो किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर सर्वाधिक आक्रमण किए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायान की उपाधि दी थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायान की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए है प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन नंबर बी है रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर सी है बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर डी है सुंदर पांड्या, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायान की उपाधि दी थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र देव, ठीक है। रामचंद्र देव को राय रायान की उपाधि दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी गुप्तचर प्रणाली का गठन, ऑप्शन नंबर सी मध्य निषेध, ऑप्शन नंबर डी है सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है, तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना, ठीक है। ये गलत है बिल्कुल, तो ये सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान नहीं देते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है फतू उस सलातीन, ऑप्शन नंबर बी है खजाइनुल फतू, ऑप्शन नंबर सी है तबकाते नासिरी, ऑप्शन नंबर डी है तारीख़ फरोशाही, ठीक है। तो 59 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी तारीख़ फरोशाही, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है पद्मावत में, ऑप्शन नंबर बी है कथा सरित सागर में, ऑप्शन नंबर सी है गीत गोविंद में, ऑप्शन नंबर डी है पदावली में, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पद्मावत में, ठीक है। पद्मावत ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। खिलजी वंश की स्थापना किस तथ्य का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए है खिलजी साम्राज्यवाद का, ऑप्शन नंबर बी है खिलजी क्रांति का, ऑप्शन नंबर सी है खिलजियों द्वारा सत्ता का बलापहरण करने का, ऑप्शन नंबर डी है खिलजियों द्वारा सैनिक विद्रोह करने में, ठीक है। तो 62 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी खिलजी क्रांति में, ठीक है। खिलजी क्रांति में
खिलजी क्रांति में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। अलाउद्दीन ने निम्न में से कौन सा नया पद बनाया? ऑप्शन नंबर ए है दीवाने रियासत, ऑप्शन नंबर बी है दीवाने रिसालत, ऑप्शन नंबर सी है दीवान ए बंदगान, ऑप्शन नंबर डी है दीवाने आरिज। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने निम्न में से कौन सा नया पद बनाया? तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दीवान ए रियासत। ठीक है, दीवान ए रियासत जो है वो अलाउद्दीन ने एक नया पद बनाया दीवान ए रियासत के नाम से। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। बालाहार किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्र दास को, ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण अधिकारी को, ऑप्शन नंबर सी है साधारण किसान को, ऑप्शन नंबर डी है कारखाने का मजदूर। ठीक है, तो बालाहार किसे कहा जाता था? तो 64 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी साधारण किसान को। ठीक है, किसे कहा जाता था? साधारण किसान को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बालाहार, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मसाहत क्या था? ऑप्शन नंबर ए है राजस्व निर्धारण की पद्धति, ऑप्शन नंबर बी है जागीर भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर सी है भूमिहीन किसानों का वर्ग, ऑप्शन नंबर डी है लगान अधिशेष। तो मसाहत क्या था? तो इसका राइट आंसर है 65 का ऑप्शन नंबर है ए राजस्व निर्धारण की पद्धति करना। ठीक है, राजस्व निर्धारण की पद्धति को हम मसाहत कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। खिलजी वास्तव में की एक शाखा थी? खिलजी वास्तव में किसकी शाखा थी? फर्स्ट ऑप्शन है अफगानों की, ऑप्शन नंबर बी है तुर्कों की, ऑप्शन नंबर सी है पठानों की, ऑप्शन नंबर डी है मंगोलों की। तो खिलजी वास्तव में किसकी शाखा थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर बी, बी इसका करेक्ट आंसर है तुर्कों की एक शाखा थी। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तुर्कों की एक शाखा थी कौन? खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। अलाउद्दीन का समकालीन मेवाड़ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए है विजय सिंह, ऑप्शन नंबर बी है विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर डी है अमर सिंह। ठीक है, तो अलाउद्दीन का समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राणा रतन सिंह, रतन सिंह। ठीक है, राणा रतन सिंह, रतन सिंह, तो इसका सी करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। किस सुल्तान ने संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद करवाया? ऑप्शन नंबर ए है फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी है बलबन ने। तो किस सुल्तान ने संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद कराया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए फिरोज तुगलक ने। ठीक है, संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद कराया, तो ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। फिरोज द्वारा सिंचाई की व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा में। तो फिरोज द्वारा सिंचाई की व्यवस्था में सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में हुआ? तो 69 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर? हरियाणा में अधिक लाभ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 क्वेश्चन है। फिरोज ने केवल उन्हीं करों को लगाया जो इस्लामी कानून द्वारा अनुमोदित थे, सिवाय कौन सा कर था? ऑप्शन नंबर ए है जकात, ऑप्शन नंबर बी है व्यापार कर, ऑप्शन नंबर सी है सिंचाई कर, ऑप्शन नंबर डी है खुम्स। तो फिरोज ने केवल उन्हीं करों को लगाया जो इस्लामी कानून द्वारा अनुमोदित थे, किसके सिवाय? तो 70 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सिंचाई कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। मोहम्मद तुगलक की तांबे की मुद्रा के प्रचलन की विफलता का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए है तांबे की कम मात्रा में आपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी है टकसालों पर नियंत्रण का अभाव, ऑप्शन नंबर सी है तांबे के दामों में बढ़ोतरी, ऑप्शन नंबर डी है प्रशासन में व्यापक भ्रष्टाचार। ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक की तांबे की मुद्रा के प्रचलन की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टकसालों पर नियंत्रण का अभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर है 72। इब्न बतूता किस वर्ष भारत आया? ऑप्शन नंबर ए है 1333, ऑप्शन नंबर बी है 1363, ऑप्शन नंबर बी सी है 1298, ऑप्शन नंबर डी है 1224। ठीक है, तो इब्न बतूता किस वर्ष भारत आया? तो 72 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 1333 ईस्वी में
इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभा सूरी से आधा रात तक बातचीत की? ऑप्शन नंबर ए है मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है बहलोल लोधी। ठीक है, तो निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभा सूरी से आधी रात तक बात की थी? तो इसका राइट आंसर है 73 का ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? ऑप्शन नंबर ए है बलबन, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो 74 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है फिरोज तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 75। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी के अनुसार दिल्ली का आठवां सुल्तान था? ऑप्शन नंबर ए है बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है बहलोल लोधी। तो इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा एंड में कि आप यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और उस वीडियो को सबसे पहले आप तक आप देख सको। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, चलते हैं वीडियो का करते हैं एंड। जय हिंद।